भाइयों बहनों, और होली के साथ साथ पूरे देश में आज बीजेपी का भी रंग चढ़ा हुआ है। भाइयों बहनों, होली के साथ साथ लोकतंत्र के में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव ये उत्सव है चुनाव। होली के साथ साथ देश चुनाव के रंग में भी रंग जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है इस चुनाव में होली के रंगों की तरह विकास का रंग, प्रगति का रंग, आत्मीयता का रंग, भाईचारे का रंग, सद्भावना का रंग पूरे हिंदुस्तान में हम बिखेरेंगे और पूरे हिंदुस्तान में होली के त्योहार की तरह ही चुनाव में भी जनता जनार्दन की एकता का संदेश लेकर के जाएंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं पूर्णिया की धरती पर आया हूं, आदि शक्ति स्वरूपा माता पूर्णिया देवी के चरणों में मैं नमन करता हूं, मां को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती पुराण काल से परिचित धरती रही है। हर युग में कहीं न कहीं इस धरती का जिक्र हुआ है। आजादी के आंदोलन में भी यहां के नौजवानों ने कोई कमी नहीं रखी थी। ऐसी इस धरती को मैं नमन करता हूं। ये वो धरती है जहां सतीनाथ भादुड़ी, अनूपलाल मेहता, भोला पासवान शास्त्री जी, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सुधांशु जी, बैद्यनाथ चौधरी जी और साहित्यिक जगत में जिनका नाम अमर रहा है, ऐसे फणीश्वरनाथ रेणु और हम सबको प्रेरणा देने वाली इस धरती के महर्षि परमहंस महर्षि मही जी के आशीर्वाद, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसी मंत्र को लेकर के आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहे हैं, उस महापुरुष को भी मैं नमन करता हूं। और मैं उदय जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे सम्मान में मुझे एक ऐसा प्रसाद दिया है, वो मेरी ताकत बनेगा। और महर्षि मही जी की तस्वीर मुझे भेंट की है, मैं उदय जी का बहुत आभारी हूं उस बात के लिए। भाइयों बहनों, मैं बिहार जब भी आता हूं, मुझे सबसे पहले यहां की जनता जनार्दन को नमन करने का मन करता है, यहां के लोगों को प्रणाम करने का मन करता है। देश में भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा, 27 अक्टूबर की पटना की घटना को जरूर लिखा जाएगा। लेकिन उन बम धमाकों की मैं बात नहीं करने आया हूं, वो खूनी खेल की चर्चा करने नहीं आया हूं। राजनीति के घिनौने रूप की बात करने नहीं आया हूं।
मुझे तो कहना है बिहार के लोगों की जवाबमर्दी को मैं नमन करता हूं। इन धमाकों के बाद भी न हिले न डिगे, ऐसा दृश्य कभी भी सार्वजनिक जीवन में असंभव है भाइयों। ये आपके भीतर की ताकत, ये आपका जज्बा और देश बचाने की आपकी संकल्प शक्ति का नतीजा था, और इसलिए मैं बार बार बिहार के लोगों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनका गौरव करता हूं, और हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के ये गीत सुनाता हूं, आपके गौरवगान की बात करता हूं, आपकी वीरता की बात करता हूं, आपने जो धैर्य दिखाया उसकी मैं बात करता हूं। भाइयों बहनों, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इतना अच्छा खासा बिहार सरकार में हमारा गठबंधन, इसको तोड़ा क्यों गया। मैं सचमुच में अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। मैं बहुत सोचता था क्या कारण है कि तोड़ दिया। कोई कहता था अहंकार, कोई कहता है ये तो पीछ में छुरा भोंकना उनका स्वभाव ही है। भाइयों बहनों, मुझे इतना जरूर हुआ था इस प्रकार का कृत्य करने वालों के कारण जयप्रकाश नारायण जी को, राम मनोहर लोहिया जी को कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। मैं इसी विचारों में रहता था, लेकिन अच्छा हुआ अभी दो चार दिन पहले ही पता चल गया कि उन्होंने तोड़ा क्यों था। प्रधानमंत्री का सपना उनको सोने नहीं देता था। और खुद के विषय में इतना ऊंचा अभिप्राय है, उतना ऊंचा अभिप्राय है, एवरेस्ट से भी ऊंचा अभिप्राय है, और इसलिए कहते हैं उनके बिना इस देश में कोई योग्य नहीं है। भाइयों बहनों, ये जो थर्ड फ्रंट है ना, थर्ड फ्रंट, ये थर्ड फ्रंट जरा उस पर नजर करिए। जितने दल है उसमें से करीब करीब सभी दलों ने हर बार कांग्रेस सरकार को बचाने का काम किया है, उसको समर्थन करने का काम किया है। दूसरा दृश्य देखिए, उसमें या तो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का टोली, या तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वालों की टोली जमा हुई है। एक डजन से ज्यादा प्रधानमंत्री बनने के कपड़े सिला करके रखे हुए लोग वहां बैठे हैं, एक डजन से ज्यादा। भाइयों बहनों, मैं पूर्णिया की धरती पर आप आया हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे। ऐसे नहीं सिर्फ पटना तक सुनाई दे ऐसी आवाज नहीं चाहिए, दिल्ली तक सुनाई दे ऐसी आवाज चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों अखबारों में, टीवी में ये थर्ड फ्रंट का बाजा बज रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पूर्णिया के भाइयों बहनों, जब कोशी में बाढ़ आई, किसान तबाह हो गए, निर्दोष लोग मारे गए, पूर्णिया संकट में था, ये थर्ड फ्रंट वाले आए थे? जरा जोर से बोलो, आए थे?
उनका नाम तक सुना था, उनकी कोई आवाज सुनाई दी थी, उन्होंने कोई आंसू बहाए थे, कोई संवेदना व्यक्त की थी, कहां गए थे तब? जब कोसी में लोग मर रहे थे तब कहां खो गए थे? और आज चुनाव के लिए निकल पड़े हो? अरे मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब गुजरात की धरती पर भयंकर भूकंप आया, ये थर्ड फ्रंट कहां गया था? अभी आसाम के अंदर कत्लेआम हुआ, हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए, तब ये थर्ड फ्रंट वाले कहां सो गए थे? सेना के जवानों के सर काट लिए गए थे, ये थर्ड फ्रंट वाले कहां सो गए थे? उत्तर प्रदेश में एक साल में 150 दंगे हुए हैं, ये थर्ड फ्रंट वाले कहां सो गए थे? भाइयों बहनों, ये चुनाव का बिगुल बजता है तभी इनकी नींद खुलती है, और फिर सो जाते हैं, अगला चुनाव का जब बिगुल बजेगा तो फिर वो उठ करके खड़े हो जाएंगे। भाइयों बहनों, उनके सहारे, ये उनके सहारे निकल पड़े हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की राजनीति, भारत का लोकतंत्र गठबंधन की राजनीति का है, इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर गठबंधन सफलतापूर्वक आगे रहा है। जहां जहां नेतृत्व बीजेपी के पास रहा है, उस गठबंधन को कभी संकट नहीं आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है सबको साथ लेकर चलने का। और मैं आज यहां से भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को, रामविलास पासवान जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मैं देश को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज देश तीन प्रकार की राजनीतिक कल्चर दिखाई देते हैं। एक है गठबंधन का, जो वाजपेयी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, जिसे एनडीए कहते हैं। दूसरा भ्रष्ट बंधन का, भ्रष्टाचारियों लोग इकट्ठे आ रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए आ रहे हैं। मैं आज बिहार में, तो यहां की गाय भैंसे डर गई है, बिहार की गाय भैंसे भी डर गई है, उनको चिंता सताने लगी है कि फिर से ये कांग्रेस का और इनका गठबंधन कहीं फिर से हमें चारे के बिना तो नहीं रख देगा। ये भ्रष्ट बंधन का युग है। तीसरा है लठबंधन का, सारे लाठी में विश्वास करने वाले लोग। ऐसे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र न भ्रष्ट बंधन से चलने वाला है, लोकतंत्र न लठबंधन से चलने वाला है, लोकतंत्र को ताकत मिलने वाली है एनडीए प्रकार के गठबंधन से मिलने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भाजपा सिर्फ सरकार का इरादा बनाने का इरादा लेकर के चुनाव के मैदान में नहीं आई है। भाइयों बहनों, मैं साफ शब्दों में देशवासियों के सामने कहना चाहता हूं, हम सिर्फ सरकार बनाने के इरादे से इस चुनाव के मैदान में नहीं आए हैं। हम चुनाव के मैदान में आए हैं
स्थिर सरकार बनाने के लिए हम चुनाव के मैदान में आए हैं, प्रगतिशील सरकार बनाने के लिए हम चुनाव के मैदान में आए हैं, मजबूत सरकार बनाने के लिए हम चुनाव के मैदान में आए हैं, देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के पक्के इरादे के लिए सिर्फ सरकार बनाना यह हमारा मकसद नहीं है। और इसलिए देशवासियों से मैं एक ही बात मांगता हूं, और वो हमारी बात यही है कि दिल्ली में मरी हुई, अस्पताल में पड़ी हुई, कहीं बाहर से ऑक्सीजन के सहारे जी रही, ऐसी सरकार से मुक्ति चाहिए दोस्तों, ऐसी सरकार से मुक्ति चाहिए। भाइयों बहनों, कुछ लोगों का अहंकार सातवें आसमान पर है, और इसलिए उनके संबंध में कुछ भी कहो, हफ्ते भर उनको नींद नहीं आती है, उनकी नींद बेचैन हो जाती है, और जब तक कोई जवाब लिख करके न दें, और जब तक वो जवाब दे नहीं, जहर उगले नहीं, उनको चैन नहीं होता है। भाइयों बहनों, बिहार की जनता जंगल राज से मुक्ति चाहती थी, चाहते थे ना भाइयों? आप जंगल राज से मुक्ति चाहते थे ना? आपको जंगल राज से मुक्ति चाहिए थी ना? भाइयों बहनों, आज पूरे देश में जंगल राज फैला दिया गया है, और इसलिए बिहार के लोगों ने देश को जंगल राज से मुक्ति के लिए नेतृत्व करना पड़ेगा। सबसे बड़ी अगुवाई मेरे बिहार के भाइयों बहनों को करनी पड़ेगी। बिहार का क्या हाल करके रखा है? अभी मुझे किसी ने बताया कि यहां पर स्कूलों में एक सर्वे किया, सरकार ने किया। आप देखिए, ये आज के बिहार को बर्बाद कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये ऐसे नेता है वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए नेताओं की ऐसी जमात है जो आज आपके राज्य को तबाह कर रहे ऐसा नहीं, वे आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह करने का पाप कर रही है। भाइयों बहनों, पाप कर रही है। बिहार सरकार के दफ्तर पर जांच करने से पता चला, और अभी अभी चला, 1900 स्कूल ऐसी है, 1900 जिसका खर्चा हो रहा है, तनख्वाह जा रहा है, मध्याह्न भोजन जा रहा है, सब खर्चा हो रहा है, लेकिन कहीं पर वो स्कूल है ही नहीं। भाइयों बहनों, ये कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा? जरा पूरी ताकत से बताइए, ये कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा? कागजी स्कूलों से बिहार के बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या धरती पर स्कूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बजट खर्च होता है तो स्कूल दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? 1900 स्कूल ऐसी पाई गई है। इतना ही नहीं, जहां ये नेता लोग बैठते हैं ना, पटना में 90 स्कूल कागज पर है, 90 स्कूल कागज पर है। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार चला रहे हैं? ये किसकी मिली भगत है? कहां जा रहे हैं पैसे? ये गरीब के पैसे हैं जिसे लूट लिया जाता है। भाइयों बहनों, बिहार में क्या क्या हो रहा है? मुझे किसी ने बताया, कोई देवकी चौधरी, ये देवकी चौधरी अपने
बिजली का बिल चुकाने के लिए गए थे और उनको पुलिस स्टेशन में बंद करके मारा गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। भाइयों बहनों, एक बुजुर्ग को अगर इस प्रकार से मारा जाता है तो आप मुझे बताइए भैया, ये शकुराबाद में बाद में पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया, लोगों ने गुस्सा जताया, बिजली का बिल भरने के लिए जा रहे इंसान को अगर मौत के घाट उतार दिया जाए पुलिस थाने के अंदर, तो कानून व्यवस्था कहां से लाएंगे? आपको बिहार के पूर्णिया में रैली कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सीधा बिहार सरकार को निशाने पर रखा है, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। नरेंद्र मोदी, आपने सुना भी, एक घटना के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, और साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा में भी जो बिहार का हाल है वो बेहद ख़राब है। पूरे बिहार में तकरीबन 1900 ऐसे स्कूल हैं जो कि सिर्फ कागज़ों पर चल रहे हैं, यानी कि वो स्कूल हैं ही नहीं, सिर्फ कागज़ों पर उन स्कूलों को दिखाकर पैसा खाया जा रहा है। ये सीधा आरोप उन्होंने बिहार सरकार पर लगाया। इससे पहले नीतीश कुमार पर भी उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड ने दरअसल जो बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है उसके पीछे वजह नीतीश कुमार का सपना है कि वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए वक्त वक्त पर खुद को पीएम मटीरियल के तौर पर वो बताते रहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने खुद के सपने के लिए बिहार में इस गठबंधन को तोड़ दिया, एनडीए से वो बाहर निकल गए। इसके अलावा मोदी के निशाने पर थर्ड फ्रंट भी रहा। मोदी ने कहा कि थर्ड फ्रंट बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन वक्त के समय हमेशा वो गायब रहता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में जब भूकंप आया था तब कहाँ था थर्ड फ्रंट, जब यूपी में हिंसा हुई थी उस वक्त कहाँ था थर्ड फ्रंट। निशाना साधते हुए मोदी ने यह भी कहा कि थर्ड फ्रंट का कोई भी भविष्य नहीं है, एकमात्र बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो विकल्प दे सकती है। दिल्ली की सरकार कमेटी बना दें,